अवार्ड है, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ है? बहुत खुशी है यार कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, सो वो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है, अच्छा हो रहा है सर, तो अच्छा होने दो यार, अच्छा लग रहा है यार, इट्स ऑल गुड। सर किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है? मुझे मोस्ट एंडियरिंग पर्सनैलिटी ऑफ टीवी मिला, बहुत प्यार वाली पर्सनैलिटी मिली है, आई थिंक जब से मैं आया हूँ बिग बॉस से भी, सो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही है लोगों की, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट यार। मैंने अभी तक एपिसोड्स देखे नहीं, ऑनेस्टली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, बट मैंने दो तीन जो अभी देखे हैं रिसेंटली, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आई थिंक तो अभी देखते हैं क्या होता है वाइल्ड कार्ड का, लेट्स सी। हाँ वो एक्चुअली थोड़ी डला है, मुझे यही कहना है कि रचना सही हुई है और घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी, एंड साजिद खान इज जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, ऑफकोर्स अगर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वो सिर पे चढ़ेंगे, वो चढ़ रहे हैं, बाकी अर्चना अच्छा कर रही है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, और ऐसे ही करती रहे तो बहुत अच्छा जाएंगे। घर में सिंगुल जी के पप्पा गए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ एक सिंगुल के पप्पा गए थे, अरे अरे सुंबुल के पापा गए थे, सुंबुल के पापा ने तो हल्ला मचा दिया यार, बट आई थिंक उन्होंने अपनी बेटी को समझाना था, मुझे लगता है कि अच्छा है समझाइए लेकिन दूसरे के बच्चों को मत गिराइए, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं और ऐसा नेशनल टीवी पे किसी को ऐसा गाली मत दीजिए, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स ऑल वेंट वेल। बट एक शालिन की वजह से दो लड़कियों के कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे, व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दैट? शालिन का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों नहीं हो रहा, लड़कियों का क्यों हो रहा है? आई थिंक उन्होंने खुद कहीं ना कहीं वो वजह दी है लड़कियों ने वो करने की, तो आई थिंक वो आज उनके साथ हो रहा है, तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि बहुत बार समझाया गया दोनों को, बट अगर वो नहीं समझ पा रही तो वो नहीं समझ पा रही, क्या कर सकते। टॉप फाइव में मैं किसे देखना चाहूँगा? टॉप फाइव में मैं देखना चाहूँगा शिव और प्रियंका, अर्चना, अब्दू जाएगा आई थिंक क्योंकि उसे प्यार व्यार मिल रहा है ज़्यादा, और अगर सौंदर्या टिकती है तो आई थिंक सौंदर्या या शिव अभी घर में कैप्टन है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कैप्टनशिप कर रहा है मैंने जितना भी देखा, उन्होंने अर्चना को महामंत्री बना लिया, जो लड़की घर में सबसे ज़्यादा परेशानी देगी उसी को उसने बना लिया, और प्रियंका को नॉमिनेशन से बचा लिया, तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है शिव के लिए, और बहुत अच्छा कर रहा है वो, एंड आई थिंक वो ऐसे ही खेलेगा, अगर अपने हिसाब से खेले, साजिद खान की परछाई में ना खेले तो विल डू गुड, विल डू वंडर्स यार। सर आगे आप कौन सा रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मुझे हमेशा से खतरों करना था, बिग बॉस तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे खतरों करना था, बट डेट्स ऐसे आई कि बिग बॉस मिला तो मैंने किया, बट आई लव टू डू खतरों, नच बलिए, तो मैं अगर करूँगा तो मैं ये करूँगा ऑफकोर्स। आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है OTT में, वेब सीरीज वगैरह भी? मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब चल रहे हैं, टीवी के भी हैं, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पिक करूँ, कैसे करूँ, बहुत लोगों के आ रहे हैं मैसेजेस और वो सब आ रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें देख रहा हूँ, जो अच्छी होंगी मैं श्योर इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी करूँगा और आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। फेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहो, तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी, मैंने ईमानदारी से अपना काम भी किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया, मान्या इज रेज बाई अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, मेरी मम्मी उन्होंने मुझे रेज किया है, वो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, तो उनकी ही क्वालिटीज़ मेरे में है और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती हूँ। साथी वानिया, बिग बॉस 16 के बारे में क्या कहना चाहेंगी? घर के बाहर आने के बाद अभी बहुत सारे गेम में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? गेम शो है वो बिग बॉस 16, आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम, तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं,
तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो बिग बॉस 16 में. जितनी भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं दे आर रियली नाइस और डिजर्व करते हैं. विनर क्वालिटी सब में है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिजर्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए. बिल सुंबुल के लिए क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं सुंबुल के डैड चाहते हैं कि उनको वोट्स ना किया जाए. सभी से वो लाइक एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. देखिए अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर है. अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना है. भेजने का उनका डिसीजन था. अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है. अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समवन्स पर्सनल लाइफ. एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल. वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है. सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर है. अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो वो सही है तो सही है. आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है. सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज्जत. बट वॉट अबाउट टीना? टीना शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग समवेयर और दी अदर. साथ ही शालिन भी उनके साथ मिक्सडअप है. लोग कह रहे हैं कि शालिन जो है वो दोनों जगह कहीं ना कहीं. क्या लगता है आपके लिए, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है ये गेम? देखिए मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में. फॉर मी इट वॉज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया. मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा. बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क. और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए. तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए. आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पर रियलिटी दिखाएँ अपनी या ऑनेस्टी दिखाएँ या किसी को धोखा ना दें तो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाए. Whom do you think will be the winner of Bigg Boss 16? आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं. सो ये मेरे लिए पिक एंड पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में. सो आई थिंक दिस कैन बी 3 from उन तीनों में से एक आ सकता है या अब्दू आ सकता है. यार पूरा देश प्यार करता है. लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना? मैंने हाँ, मतलब सबको पहचानते हैं उसको. तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है. तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.